प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिले अलीराजपुर में साक्षरता का दर देश में सबसे कम है। इसके साथ साथ बच्चों का प्राइमरी एजुकेशन भी इस कारण सफर करता है। ये जिला राष्ट्र भर के लीस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स में है, जिसके कारण जिला स्तर से यह निर्णय लिया गया कि हमें प्राथमिक शिक्षा पर फोकस करते हुए बच्चों की फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमरेसी में इम्प्रूवमेंट लाने की बहुत आवश्यकता है। एक मेजर समस्या जो जिले में आती है वो है बच्चों की अटेंडेंस। बच्चों को इस शिक्षा के महत्व को समझाने के लिए और शिक्षा को और रुचियात्मक बनाने के लिए आवश्यक था कि हम कोई ऐसी पहल करें जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल आने की कोशिश करें। हमने ये सोचा कि हर जिले में, हमारे जिले के हर क्लासरूम में स्मार्ट क्लास होना चाहिए, परंतु फंड्स की कम उपलब्धता के कारण हमें लगा कि स्मार्ट क्लासेस अगर हम एक पोर्टेबल नेचर के बनाए तो हमारे जिले के संकुल शिक्षक, क्लस्टर प्राचार्य, क्लस्टर टीचर्स अलग अलग स्कूल में निरीक्षण के दिनों पर जाते हुए ये भी देख सके कि यहाँ स्मार्ट क्लासेस का उपयोग करके बच्चों में पढ़ाई के लिए और रुचि उत्पन्न करें। जिसके लिए हमें थैंकफुली मध्य प्रदेश पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी द्वारा CSR प्रदान किया गया है, जिससे ये पोर्टेबल स्मार्ट क्लासेस का प्रोक्योरमेंट किया गया है। ये पूरा प्रोजेक्ट जिला पंचायत और जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में हो रहा है और अभी ये सभी के सभी स्मार्ट क्लासेस को डिप्लॉय कर दिया गया है, ताकि ये स्कूल स्कूल जाकर हम बच्चों को दूरस्थ स्कूलों में भी स्मार्ट क्लासेस का अनुभव दे पाए। मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान इनका बढ़ता है सर। इसमें बच्चों को चित्र दिखाते हैं, कविताएं सुनाते, कविता भी दिखाते हैं, कहानियां सिखाते हैं, फिर पढ़ने से संबंधित भी बहुत सारी चीजें दिखाते हैं। तो हमने ये देखा कि हम जो बोर्ड में पढ़ाते थे और जो बच्चे इससे पढ़ रहे हैं तो काफी डिफरेंस है। बच्चे इसके द्वारा पढ़ा हुआ बहुत लंबे समय तक याद रखते हैं, इससे जो भी सब चीजें इससे पूछते हैं बच्चों को, तो इन्हें जब भी पूछते हैं याद रहता है, और ये जब चलता है तो बच्चे अनुशासित होकर बैठते हैं। मैंने एक कहानी देखी थी, एक दिन से सो रहा था, फिर सो आया, उसके पेट में पड़ने लगा, फिर से बोला मैं खा जाऊंगा, मैं छोटा हूँ, मुझे मत खाओ, मैं तुम्हारे काम आऊंगा। बच्चे दूसरे जो नहीं आते थे, अब्सेंट रहते थे, वो भी अब आने लगे। ज्ञान डिवाइस से मेरा अनुभव पुराना था, मैंने भी प्रोफेशन में अपने ज्ञान के माध्यम से पढ़ाई की है, तो जो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम हमें मिलता है और उसके साथ ही हमें किसी स्क्रीन की आवश्यकता नहीं होती। ज्ञान का आप प्रोजेक्शन कहीं भी किसी भी वॉल पे भी करके और उसके साथ जो पेन दिया जाता है उसके साथ उसका इस्तेमाल करके किसी भी वॉल को आप एक प्रोजेक्टर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, स्क्रीन के तौर पर, और इसके साथ जो पेन दिया जाता है वो इंटरैक्टिव है, इसके वजह से डिवाइस की कंपेटिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आप कहीं भी लेके जा सकते हैं इसको, बैटरी साथ में रख के, हम लोगों ने बैटरी भी क्रय किया है विद्यालयों में ले जाने के लिए, पावर सप्लाई के इशू जहाँ पे हैं उनको देखते हुए, तो बैटरी के साथ भी आप इस डिवाइस को ऑपरेट कर सकते हैं। मुख्यतः जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है, डिवाइस जो है अभी के ज़माने में जब से मोबाइल फ़ोन आए हैं तो बच्चों का एक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन इस तरफ है कि कोई भी चीज़ अगर डिजिटल देखते हैं तो अट्रैक्ट होते हैं। तो हम लोगों ने यह सोच के इस डिवाइस को लिया है कि बच्चों को यह देख के थोड़ा सा पढ़ने के प्रति ललक बढ़ेगी, थोड़ा सा उनको सीखने में इंटरेस्ट आएगा। और हम लोगों ने अभी NEET की मिड टर्म परीक्षा हुई थी तो उसमें KN डिवाइस का बढ़िया उपयोग किया, बच्चों को इस डिवाइस के माध्यम से उनको NEET की पूरा जो क्वेश्चन पेपर थे हम लोगों ने पिछले सालों के वो हल कराए, तो देखा कि बच्चों में काफ़ी इंटरेस्ट है इस डिवाइस से पढ़ने को लेकर और उनका कॉम्प्रिहेंशन बढ़ा है, वो एक दूसरे को समझा भी रहे हैं इस डिवाइस के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि इससे हमारे आगे आने वाले समय में हमारे बच्चों में सीखने की क्षमता बढ़ेगी और उससे अच्छा उनका जो रिजल्ट आएगा उसका भी, उस पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
उसमें प्रोजेक्टर की व्यवस्था है, मल्टीमीडिया सिस्टम है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, ब्लूटूथ डिवाइस भी है और उसको एज ए मीडियम फॉर वीसी कंडक्ट करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो इससे शासकीय कार्यों में भी उपयोग होगा और अलीराजपुर जो हमारा LPD लिस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन की कैटेगरी में आता है तो उसमें भी बच्चों को इंटरेक्टिव लर्निंग के लिए हेल्प मिलेगी। जो अभी हमने NAS की एग्जाम दी थी 22 नवंबर को, उसके पहले हमने ट्रेनिंग कोर्स के माध्यम से भी ज्ञान जो हम गाँव में ले पोर्टेबल है इसलिए सुविधा होती है कि हम उसे गाँव में ले जा सकते हैं और हर बच्चे हर स्कूल से उसके माध्यम से सिखा सकते हैं। हमें चलते देखा गाँव में जाके जन शिक्षक जब अपने स्कूल विजिट पर जाते हैं तो अपने साथ क्यूएन सिस्टम लेकर जाते हैं, क्योंकि उसके साथ बैटरी भी है तो जन शिक्षकों को वहाँ समस्या नहीं आती है और बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट लगा के उसके वीडियोस और प्रोजेक्ट कार्य को अच्छे से कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमें लगता है कि शिक्षा गुणवत्ता सुधार में एक अच्छा कदम है।